अबे अडे, अबे 20 सड़क पे रोक दी इसके बाप तेरा। यार ये देखो 20 सड़क पे, यार कसम खुदा की। ए कहाँ 20 सड़क पे रोक रहे, पागल है क्या? अबे जाहिल आदमी यार, कि वैसे लोग मर जाएं। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बाइक टेल्स, और आज का है रमजान एडिशन। इस वक्त बज रहे हैं 5:30, इफ्तार में एक घंटा है। सो हमने एक टारगेट सेट किया कि क्या हम बहादुराबाद पहुंच के इफ्तार कर सकते हैं कि नहीं। टीम हमारे साथ मौजूद है और इस वीडियो का मकसद ये दिखाना है कि इस टाइम ऑब्वियसली हमारी एक बहुत बड़ी वर्किंग क्लास जो घर जा रही होती है, किस तकलीफ से घर जाती है और कैसे कैसे रोज़ेदारों से निपटना पड़ता है। आज बहुत गर्मी थी बट एटलीस्ट इस वक्त हवा चल रही है। अरे कहाँ बच्चे सड़क पे खड़े हैं, सो डेंजरस। अबे सिग्नल खुलाओ, फिर भी डर ही लगता है। अभी कोई आएगा? अबे क्या आ रहा है, रुक तेरे को बता दे। उधर से बस वाला दबा रहा है, इधर से गाड़ी वाला। ग्रांटेड आपका भाई अब उतना प्रोफिशिएंट नहीं है शपाटरिंग में, बट दिस वॉज अ क्लोज कॉल। अबे मुंह पे धुआं आ रहा है यार, साइलेंसर का मुंह मेरे मुंह पे है यार। अबे कितनी सी जगह है, वहां से भी निकल गया। तो बहुत ऊंचा ब्रिज है यार, इसके ऊपर जाके हमेशा डर लगता है। बंदा यहीं से पड़क करके नीचे चला गए, जितनी पावर चढ़ाने में थी उतनी नहीं लगानी पावर उतरने में। अब कहाँ बीच में घुस गया, अच्छा खासा एक स्लो जा रहा है, सबर कर लो। अबे कहाँ कहाँ जा रहा है, काहे की जल्दी है। I'm fast as fuck, boy. ट्रैफिक वार्डन भी AK-47 लेके खड़ा हुआ है यार, मतलब हद है। अबे देख भी रहा है या बस खाली रोड पे भी सही नहीं चला रहा, लाइक देयर इज लिटरली नो वन। तो क्या क्रिकेटर पूरी किट लेके जा रहा है? अबे रोजों में भी खेल रहे हैं ये, क्या स्टार होगी यहाँ पे? वाह जी वाह भाई, हर हर फुटपाथ पे इफ्तार होती है। अब देखो पुलिस वाले ने हाथ दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब रुक जाओ भाई, रिंगते रहेंगे अंकल। ये देखो ये 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 रिंगते रहेंगे। अबे हाथ दिया हुआ, रुक जाओ। वो देखो भाग गया, फजूल में अपनी जान मुश्किल में आप है, रुक नहीं रहे वो माइकल जैक्सन। अब खुल गया, अब आ जाओ। कहाँ आ रहा है सपाटर, ये आ गए जी हम जनम मार्केट। बस एक्चुअली मार्केट का नाम कुछ और था, कोने में जैनब कारपेट्स होता था, तो बस उसकी वजह से जैनब मार्केट लोग बोलना चाहिए, नॉट कॉल्ड जैनब मार्केट। फन फैक्ट, मिस्टर फैक्ट्स ऑन द गो। व्हाट्स आउट, अरे अबे लाइन से गटर दिए मैम, अबे जाली धूम मचा ले। बॉडी हैवी बाइक की आवाज़ 70 की भाई, यहाँ से हम राइट लेंगे, हाथ दे दे। अबे बुल कूलर लेके जा रहे हैं, आ जाओ आप रॉन्ग आ जाओ, चलो उधर गटर का पानी है तो। अरे उसी में बीच में मुन्ना भी आ रहा है अपना, ये जाली पार्किंग माफिया। चले भाई अब आया असल चैलेंज, वेलकम टू सदर। ये गलत जा रहे हैं, यू विल डू द राइट थिंग। हम भी वहाँ से जाएं, क्या फर्क ये भाई। अच्छा कुछ लोग होते हैं घुसा के फिर देखते नहीं, तो जैसे हमें दिख नहीं रहे हो, तो वो देखना नहीं चाह रहे होते। वाह रे वाह, बोरी है तू, क्या खुल है, आ जा भाई तू भी आ जा बैठ के। हाँ अल्लाह माफ करे, डोंट टेक टाइम आपका मान। अच्छा क्या बात है, ये वाला भी देखना भाई। अब देखो भाई इधर डबल पार्किंग भी है, ट्रिपल पार्किंग। अरे ये क्या चूल्हे के अंदर जा रहा है बंदा, अबे अंकल की जला दो चूल्हा बन जाएगा पूरा। ये देखो भाई, वाह अरे वाह, फटा भाई फटा।
फटा फटा भाई फटा, यही तो देखने निकले थे हम। अबे कितना कितना ऑब्वियस है ना, आप निकलो फटा मिलता ही मिलता है। अरे चाचा क्या हुआ? अरे बेचारा, अबे चार लेने घेर के एक बोरी में उससे भी बंदा गिर गया। चल मेरा भाई, ये 35 रुपये का समोसा। चल भाई चलते हैं सदर की तरफ। शबाटर मोड़ा। अरे बच्चे को क्या बिठा के रॉन्ग वे कर रहे हो अंकल, अब क्या बच्चा सीखेगा, क्या तरबियत होगी। अबे इतनी बड़ी बड़ी बसें नजर नहीं आ रही, भौं भौं क्या कर रहे हैं। चमकीली भी खड़ी है भाई, इज्जत से हाथ दिया रुक जाओ, अब जरूरत अंदर घुसानी है। अबे निकलेंगे कहाँ से? भाई साहब, अरे भाई साहब मेरा निशाना, भाई साहब देखे जमाना, भाई साहब अरे ये क्या चीता घूम रहा है भाई, फुल चीते प्रिंट पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। क्या रॉन्ग वे आए हैं आप, कयामत में भी रॉन्ग वे में दोजख में घुस जाएंगे। क्या फायदा ऐसे रोजे रखने का भाई, जब बेसिक्स ही नहीं सीखी। ये भाई यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस देख लो आगे। हाँ बातें कर लो तुम, ये देखो ये ट्रैफिक को स्लो करते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं। इतना टाइम इनका प्रेशर अगर है तो ये बाइक पे क्यों है। हम इससे बाहर है भाई, अबे कितनी बिल्डिंगें बननी, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, ये एक पार्किंग प्लाजा बनाया था जहाँ कोई आके पार्क ही नहीं करता। स्ट्रॉबेरी भाई क्या भाव दी है भाई। अच्छा ये भी है ना, बीच सड़क पे गाड़ी रोक के खरबूजे ले रहे हैं। अबे आज सुबह हुआ, एक गाड़ी जा रही है उसके पीछे मैं बैठा हूँ, गाड़ी ने ब्रेक लगाया, मेरा पता नहीं क्या हुआ, देखा खरबूजे ले रहा है। अबे मेरा बाप का रोड है तेरा यार, लोग क्यों यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, वो 1 किलोमीटर दूर पेडेस्ट्रियन ब्रिज है वहाँ से क्यों नहीं आ रहे। अबे कितने फ्रूट के ठेले लगते हैं, अगर हम इतने अच्छे डाइट वाले लोग हैं तो वो सेहतें दिखती नहीं है, कभी सोचा इस बारे में। हर बाइक पे खरबूजा लटक रहा है और चला तरबूज रहा है, वो देखो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। खरबूजे की इमरजेंसी थी वो पूरे ट्रैफिक को रोक के बीच सड़क पे घूम के आया हो, रश कुएं बैठ गया सड़क पे, खरबूजे केले बिक रहे हैं। क्या इतनी इमरजेंसी खरबूजे, इसका मैं आपको समझाता हूँ वजह। वजह यह है कि हमारी जाहिर है आवाम जो है उसकी कुव्वत खरीद इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो अपना शुगर कॉन्टेंट जो है चाय की चीनी से या फिर इस तरह के फ्रूट से पूरा करती है, तो इसलिए फ्रूट ज़्यादा बिकता है। खुद ही सवाल खुद ही जवाब। हाँ भाई ऐसे में था गया बताओ जी, सामने कायदे आज़म में उन्होंने इसलिए मुल्क बनाया था ताकि यहाँ दीवारों पर जुनेद बंगाली, कामिल बंगाली, बाबा खुर्रम बंगाली, सारे बंगाली, बंगाली तो छोड़ के चले गए, हमें सारे जादूगर यहाँ छोड़ गए, इसलिए बनाया था क्या मुल्क भाई। अबे JDC की इफ्तार में पहुंच जाएगा, हाँ और क्या, सदर मुर्ग के केक खाएगा, वो भी होता है केक तो सबके होते हैं। इफ यू नो यू नो। वो आ गई सामने JDC की इफ्तार, जहाँ मेन्यू चेक करके आ। अबे ये अजीब नुमाइश सुरंगी बनाई है, इसमें सिग्नल नहीं है, तो गो एज यू प्लीज। भाई डब्बों पे लिखा है हैंडल विथ केयर, काश ये मेरे दिल पे लिखा होता तो इतना टूटा ना होता, इतना चकना चूर ना हुआ होता। आ तेरे पैरों पे मरहम लगा दूँ, मेरे दिल पे ठोकर खाने से चोट तो आई होगी। हा हा हा, गाड़े अंकल ने चलती बाइक से फ़ोन निकाला और मैसेज चेक कर रहे हैं, और मैसेज चेक करते करते 8 तरफ के इंटरसेक्शन में घुस रहे हैं। मतलब ये गर्दन की मूवमेंट चेक करें अंकल की, ये देखें ये 8 तरफ से ट्रैफिक आ रहा है लेकिन अंकल अपना फ़ोन नहीं छोड़ रहे। अबे अंकल के चक्कर में हम ही ना लग जाए। क्या देख रहे हैं वे, हाँ अरे वाह, ये वाकई BMW है या लिखा हुआ है।
हाँ और सड़क पे खड़ी कर दो अंकल, थोड़ी और बीच में लगाओ, मजा नहीं आ रहा, वाइब नहीं आ रही। अबे रास्ता इतना सा रोड है। हाँ क्या हाल है? ये आ गया पटेल पाड़ा भाई, यहाँ है ना रश। अबे धुएं के बीच बीच में समोसों की भी स्मेल आ रही है। वाह 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 क्या बात, ये तंबू लगा दिया। हाँ टिकटॉक बनाऊँ? हाँ बनाता हूँ आके तेरे घर पे। आ जा आंटी आ जा। आलू चना बिरयानी बिक्री है भाई, अनाउंसमेंट हो रहा है, जरूरी है। बोल शबाटर मोड ऑन हो गया भाई मेरा। आलू चना आलू चना आलू चना आलू चना, क्या बात है। हाँ कितने का है? दो घर पे भी लगे हैं। ये आ गए भाई हम गोली मार। अबे मुल्क के हालात घंटा खराब होंगे, एक इलाके का नाम गोली मार, एक का नाम सोल्जर बाजार। जब नाम इतने मार्शल होंगे, लड़ाई झगड़े वाले होंगे, तो वहाँ अम की बात कौन करेगा। क्यों भाई कैसे हो? ठीक हो ना भाई? यार बड़ी मुतमिन शक्ल है इसकी यार, लाइक बहुत रिलैक्स्ड है जिंदगी से। अबे यहाँ से नीचे बस गिर गई थी एक बार नाले में एक बार। हाँ वो दो बसें रेस लगा रही थी, उससे साइड दी दीवार पे लगी बस, तो ऊपर जितने पैसेंजर थे नीचे नाले में मर गए। इमेजिन इमेजिन। अबे इतने गुटके के भरे हुए दांत उसके। अबे फिनाइल फिनाइल डाल दो उसके मुंह में भाई। हाँ भाई, अरे भाई इतना गुटका नहीं खाओगे, फिनाइल से रोजा खुलते हो क्या? कितने तुम्हारे दांत ऐसे हो रहे हैं यार। चलो ख्याल रखो। हाँ तुम आ जाओ। अबे एक हाथ मरी में घूम रहे हैं। अरे मुतमईन फिर आ गया यार, ये बहुत मुतमईन है। इससे पूछना है मैंने जिंदगी का गुर क्या है। अबे इसकी शादी नहीं हुई हो, इसकी जिंदगी में कोई लेडिस नहीं हो, तभी सुकून में। अबे धुएं से तो रोजा यार, वो मुफ्ती तारिक मसूद से पूछो, डीजल सूंघने से रोजा बचता है कि नहीं बचता? जितना मैंने सूंघ चुका हूँ मुझे नहीं लगता बचा है मेरा। शबाटर मोड ऑन। भाई आ गया गोली मार। ये यहाँ पे सारी सैनिटरी की मार्केट है, जितने आपके यहाँ कमोड लगे हुए यहीं से आते हैं। कमोड की मार्केट है बताओ, बड़ी साफ है। हाँ भाई क्या हाल है? अरे वाह 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 वाह, ब्लॉग पे ब्लॉग आ रहा है। फिनाइल हाँ आ जाओ आ जाओ गोली मार पे। अबे दिल पे ले ली उसने। अबे हाँ नहीं तो दांत देख भाई उसके यार, इतना गुटका खाता है ये तो कैंसर है यार। मुझे टेंशन हो रही है इसी बात पे, गोल्ड लीफ से रोजा खुद है यार। है भाई ठीक हो? हाँ अभी मैं अलग सेलेक्ट कर लूँ यार, लोग प्यार देते हैं यार। अरे भाई ये कहाँ से है टमाटर? ए मोबाइल निकाल बैंड। कभी कभी भरम भी करा लेने चाहिए। ए मोबाइल दे। यही है हाँ अफ्तारी पे जा रहे हैं भाई। ये हम गुजरे हैं सर सैयद कॉलेज से, ऑल गर्ल्स कॉलेज। सामने हमारा कॉलेज था फॉरमेन कॉलेज, बसें वहाँ से भी मिलती हैं, लेते हम यहाँ से थे, समझ तो गए होंगे आप। ये आ गया जी नाजमाबाद इंक्वायरी ऑफिस। अबे यहाँ इंक्वायरी किस चीज़ की होती है आज तक ये नहीं पता रहा नाम इंक्वायरी ऑफिस। ये आ गया जी हमारा कॉलेज। अब तो बीच में बड़े जंगले वंगले लग गए, कॉलेज सब ने बहुत कुछ सीखा है भाई। अबे यहाँ मैच खेले क्या? अरे अंकल ने पूरी वीडियो बनवाई है, ये देखो। अबे दूसरे अरे चैनल खोल के दे रहे हैं, वो नाते वाते लगा रहे हैं। अरे मेरा चैनल खोल दिया, वाह अरे वाह, अरे सब्सक्राइब का बटन दबा। अरे वाह यार क्या प्यार है यार, उन्होंने मेरा नाम बताया, उन्होंने चैनल ढूंढ के दिया। वाह वाह वाह। ये आगे पे उल्टे हाथ पे पापोश, जो हम बोलते थे होश में या पापोश में, वो ये पापोश कराची पे क्या आ गए और लंदन पे सही थे। हाँ अरे चार घंटा करीब होने वाला है,
We're aiming to go to Hedri. Hedri market में करेंगे इफ्तार। निकालूं यहाँ से। अबे, oh shit! Can you tell us how an induction motor starts? यार ये होती है पुरानी टाइम की अच्छी प्लानिंग। कितनी चौड़ी सड़क है और ये तकरीबन 60 साल पुरानी डेवलपमेंट है। उस वक्त उनको अकल थी कि भाई शहर बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे, रोड चौड़ा चाहिए। और आज का कैसे काटते हैं, अल्लाह दो गाड़ियां नहीं गुजर सकती। ये आ गए भैया बोर्ड ऑफिस। अरे यार वो गन्ने का जूस देख के रोजा प्रो मैक्स लग रहा है। होता तो खैर हेपेटाइटिस से भरा हुआ, मगर इस वक्त कुछ भी चलेगा। आज बहुत गर्मी थी भाई, ऊपर से ये डीजल का धुआं। तो भाई ये नॉर्थ नाजामाबाद का ब्लॉक ए है। यहाँ पाकिस्तान का पहला मैकडॉनल्ड यहाँ था। और मजे की बात, उसकी इनॉग्रेशन मियाँ साहब ने की थी, यानी कि इस मुल्क का पहला बिग मैक मियाँ साहब ने खाया और उसके बाद मुल्क खा गए। भाई ये जो सड़क है ये अहलेआन कराची के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सड़क है, क्योंकि हर 10 में से 5 की शादी इसी सड़क पर हुई है। इतने शादी हॉल है यार। अरे आंटी स्ट्रोलर लेके यहाँ चौरंगी में भी कोई अच्छा भीख मांग रही है यार। ये कि नया कल्चर शुरू हो गया है, प्यारे प्यारे बच्चे लेके भीख मांगे। अरे भाई इतनी बिल्डिंगें बन गई यहाँ पे, तो ये क्या मॉल भी बन गया भाई। हमें तो एक ही चीज याद है, हेदरी आते थे हम, हेदरी स्टेशन। आ गए भाई हेदरी मार्केट सामने, यू टर्न लेंगे, यू टर्न आगे थे। यार सर्विस रोड का साइज देख, DHA में डबल रोड होती है इतनी, तो ये सर्विस रोड है। और शादियों के टाइम ये भी भरी हुई होती है, ओ लेवल प्लस हिप्स। इतना प्रेशर बच्चों पे यार, कसम से वो मार्च का महीना ना वैसी एग्जाम वाली फील आती है। और मैं उसी इलाकों में घूम रहा हूँ जहाँ मैं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। तो पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। अच्छा MQM ने बनाया था पाकिस्तान। अबे कह रहा था मुत्तहिदा में दे गया है, ये तो हमें पता ही नहीं। ये आ गए भाई हेदरी मार्केट। अरे भाई बड़ी यादें हैं यार। अरे यार इस जगह की वाइब नहीं चेंज हुई। खैर सड़क तो बंदी हो गई बहुत। आप लोग पूछ रहे हो कि भाई क्या आप बार बार हेदरी क्यों बोल रहे हैं? मेरा क्या चूड़ियों का स्टॉल था यहाँ पे? नहीं, हमारे दो अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनका घर आगे ही था, नबील भाई। और अब लोग कॉलेज के बाद या कम्बाइंड स्टडीज करने इधर ही आया करते थे। हम बहुत घूमा है ये इलाका, वी हैड अ लॉट ऑफ फन भाई। अब जाहिर है बहुत सारे जो हमारे व्यूअर हैं वो यंग हैं, उनको पता नहीं है। ये जो पूरा ये देख रहे हैं राइट साइड पे, यहाँ पे खाना बदोश लोग रहते थे, झुग्गियाँ थी। और ये लैंड बड़ा जाहिर है इतनी महंगी जगह पे है तो खाली नहीं हो रहा था, तो फिर यहाँ पे आग लगाई गई। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना, झुग्गी में आग लगा दो लोग मर जाएंगे, ज़मीन खाली हो जाएगी। यहाँ हुआ था एग्जैक्टली, साल मुझे याद नहीं, अर्ली 2000s की बात है, बट अ लॉट ऑफ पीपल डाइड। अबे सोच, रात में बंदा आ रहा है सीधा नाले में गया। अबे वो सुल्तान के सुल्तान रॉन्ग वे आ रहा है। ग्रेप्स मेन सलून है, अंगूर का क्या काम है भाई नाई की दुकान पे? मतलब नाई अपने अंगूर लगा देते हैं आपको, वो बात तो है, और क्या काम है अंगूर का? देखो भाई ये होता है नसीब, कहाँ का लिखा होता है आप कहाँ से होते होते कहाँ आ जाते हो। जाना हमने बहादुराबाद का और आधा शहर घूम के, चाहता तो भाई रॉन्ग वे ले लेता वहाँ थोड़ा सा है। इतना लंबा क्यों आया मैं यू टर्न लेने? क्योंकि भाई तरबियत अच्छी की है वालदेन ने,
और यही फर्क है। आ जाना भाई। ओके चले जी, इफ्तारी टाइम।